नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इसमें हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस वैकेंसी के बारे में जो कि अभी जस्ट आने वाली है और अप्रैल के पहले सप्ताह में आ जाएगी ठीक है अभी 31 मार्च तक इसका फाइनल जो तैयारियां हैं वो पूरी हो जाएंगी और उस तैयारी के बाद अप्रैल के पहले सप्ताह में ये भर्ती आपको देखने को मिलने वाली है ठीक है तो इसको मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ आज के न्यूज़ पेपर की एक कटिंग है ठीक है तो आप लोग देखिए और अपने आपको तैयार कर लीजिए बिल्कुल आप लोग अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए इसमें आ, अगर आपको भर्ती होना है ठीक है अगर उत्तर प्रदेश पुलिस में आप चाहते हैं कि मेरा चयन हो तो आप लोग अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए तो चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को उस पेपर की कटिंग जिसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि कब ये वैकेंसी आने वाली है ठीक है तो दोस्तों ये है आज की पेपर कटिंग जो कि अभी आज के ही अमर उजाला में ये प्रकाशित हुआ है पैंतीस हज़ार सिपाहियों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया अप्रैल से शुरू करने की तैयारी ठीक है आप लोग यहाँ पर हेडिंग देख ही रहे हैं ये पैंतीस हज़ार यहाँ पर अभी वैकेंसी निकाली जाएगी यानी कि पैंतीस हज़ार पदों के लिए वैकेंसी आएगी तो इसको आप लोग अभी यहाँ पर मैं आपको मैं दिखाने वाला हूँ देखिए ये बहुप्रतीक्षित पैंतीस सिपाहियों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया अप्रैल माह से शुरू करने की तैयारी है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड सीधी भर्ती की परीक्षा आयोजित करने के लिए निविदा के जरिए नई कंपनियों को आमंत्रित करेगी भर्ती बोर्ड यह कवायद पहले भी कर चुका है हालांकि केवल एक ही कंपनी के निविदा में भाग लेने की वजह से प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया था भर्ती भर्ती बोर्ड को नागरिक पुलिस के छब्बीस सिपाही फायरमैन के एक हज़ार के आठ हज़ार पाँच सौ चालीस आरक्षियों की सीधी भर्ती भर्ती का अधियाचन अगस्त दो हज़ार बाईस में मिला था इसके बाद भर्ती परीक्षा कराने के लिए निविदा आमंत्रित कर दी गई थी इसमें केवल एक ही कंपनी ने हिस्सा लिया था जिसकी वजह से प्रक्रिया निरस्त करनी पड़ी थी वर्तमान में भर्ती बोर्ड सिपाही की भर्ती बोर्ड सिपाही के पाँच पदों पर कुशल खिलाड़ियों की भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने पूरी करने जा रहा है आगामी का इकतीस मार्च तक आगामी इकतीस मार्च तक यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी जिसके बाद अप्रैल के पहले सप्ताह में पैंतीस हज़ार सात सौ सत्तावन सिपाहियों की सीधी भर्ती करने की कवायद शुरू होगी भर्ती बोर्ड के सूत्रों की माने तो इस बार कई नई कंपनियां निविदा प्रक्रिया में हिस्सा ले सकती हैं निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे जाएंगे फिलहाल ये परीक्षा ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन इस पर निर्णय नहीं लिया गया है ठीक है तो ये परीक्षा ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी इसके बारे में अभी कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है जल्द ही इस पर भी जो है डिसीजन ले लिया जाएगा ठीक है तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं काफ़ी अच्छी वैकेंसी आने वाली है सो तो आप लोग बिल्कुल अपने आप को रेडी कर लीजिए अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए ठीक है चाहे फिजिकल हो या वे रिटर्न ओके तो आप लोग वीडियो पे पहली बार है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा ठीक है और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरीके के वीडियोस इससे संबंधित वीडियोस जो हैं मैं आपको इससे संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँ ठीक है चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर